नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे RSCIT एग्जाम मोस्ट क्वेश्चन, जिसमें हमारा मेन पॉइंट रहेगा इंटरनेट। इंटरनेट में सबसे पहला प्रश्न है इंटरनेट का उपयोग। इसमें आंसर है संचार, शिक्षा, वित्तीय लेन देन, उपरोक्त सभी। इसका आंसर आएगा उपरोक्त सभी। इंटरनेट से हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं, एजुकेशन संबंधित सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं, वित्तीय लेन देन यानी ऑनलाइन बैंकिंग, फाइनेंसिंग, ट्रांजेक्शन संबंधित वर्क कर सकते हैं। एक उपयोगकर्ता को इंटरनेट तक पहुंचने से पहले निम्न में से कौन सा आवश्यक है? इंटरनेट सेवा, मॉडम, वेब ब्राउजर, उपरोक्त सभी। यानी इंटरनेट के लिए हमें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर भी चाहिए और मॉडम भी। मॉडम की फुल फॉर्म होती है मॉडुलेशन एंड डीमॉडुलेशन, यानी डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करना और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करना, और वेब ब्राउजर भी चाहिए। इसी प्रकार इसका आंसर आएगा उपरोक्त सभी। तीसरा क्वेश्चन है ISP का पूर्ण रूप। इसमें पहला है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंफॉर्मेशन सर्विस प्रोवाइडर, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आएगा ए, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इसके बाद में सिक्स क्वेश्चन है URL का पूर्ण रूप। पहला है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, दूसरा है यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, तीसरा है ए और बी, चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर आएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर ए। इसके बाद में अगला प्रश्न है WWW का पूर्ण रूप, वर्ल्ड विजडम वेब, वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वेब ऑफ विजडम, वाइड वेब ऑफ वर्ल्ड। इसका आंसर आएगा वर्ल्ड वाइड वेब। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा ईमेल क्लाइंट है? इसमें पहला है जीमेल, मंत्रा, राउटर, टॉप लेवल डोमेन। इसका आंसर आएगा जीमेल। ईमेल क्लाइंट जीमेल, याहू, रेडिफ, ETC होता है। मंत्रा एक डिवाइस है जिससे हम थंब प्रिंट करते हैं। राउटर नेट चलाने के लिए यूज लेते हैं। और टॉप लेवल डोमेन वेबसाइट की पहचान होती है, यानी किस लेवल की, कॉमर्शियल वेबसाइट है, एजुकेशनल वेबसाइट है या अदर वेबसाइट है। अब अगला प्रश्न है एक वेब ब्राउजर क्या है? पहला है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तीसरा है ए और बी, और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर आएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मॉडम, अगला क्वेश्चन है मॉडम का पूर्ण रूप है, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, मॉडर्न इंजीनियरिंग मोड, ए और बी, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर, यानी डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करना और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करना। अगला प्रश्न है निम्न में से सर्च इंजन का एक उदाहरण है, पेटीएम, दूसरा है गूगल, तीसरा है फ्लिपकार्ट, चौथा है कोई नहीं। तो इसका आंसर आएगा गूगल। गूगल सर्च इंजन है, अल्टा विस्टा सर्च इंजन होता है, याहू भी सर्च इंजन है, ऐसे एमएसएन सर्च इंजन है। इंडिया में जो टॉप सर्च इंजन है वो है गूगल। इसके बाद में अगला प्रश्न आता है DNS का पूर्ण रूप, डोमेन नेम सिस्टम, डिजिटल नंबर सिस्टम, ए और बी, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आएगा डोमेन नेम सिस्टम। इस प्रकार 10 प्रश्न कम्प्लीट हुए। फिर मैं आपको रिपीट करता हूँ एक बार, यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। एग्जाम से पहले कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं या एग्जाम के कोई मोस्ट नोट्स होते हैं, जो भी उससे संबंधित होंगे, हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। उसके लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।